अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे राउंड लेयर, जो कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाइव करूं। तो हम शुरू करते हैं राउंड लेयर। मैंने केक कटिंग केक नहीं पहनाया और वाइट टी शर्ट पहनाई है अपने फ्रेंसीज को। तो आज हम राउंड लेयर करते हैं और देखते हैं कैसे। हम बिल्कुल लेंथ नहीं काटेंगे, इनको लंबे बाल पसंद है। तो हम राउंड लेयर शुरू करते हैं। ये हमारा टॉप है, बिल्कुल सारे लेयर इस जगह पे होंगे। ये बिल्कुल सर का टॉप है, यहाँ पे होंगे। तो मैं कमेंट के किसी के भी जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं देर पर करूँ और कोई फ़ोन हैंडल नहीं कर रहा। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल टॉप से हमने सेक्शन लेना है पहला। ऊपर लेके जाना है। मैंने लेंथ नहीं काटी है, मुझे लंबे रखने बाल। तो राउंड लेयर की काफी सारी रिक्वेस्ट थी कि राउंड लेयर में बताऊं, तो आज मैं लाइव बता रहा हूं। तो जो बिल्कुल एंड आ रहा है, ये लेंथ का एंड है, इसके साथ हमने इसको काटना शुरू करना है। लेयर भी मुझे लंबे रखने, आप देखें इसके साथ तो है ये इस तरह करके राउंड आएगा। ये इधर से आएगा, ऐसे करके यू राउंड आएगा। फिर हम वापस से चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा अनइवन है, हम इसको सीधा करेंगे। इसी तरह हम अगला सेक्शन लेंगे। ये हमारी गाइडलाइन है, तो हम इसी के साथ साथ चलेंगे। तो अगेन उसी एंगल में आएंगे हम। ये बिल्कुल मुझे गाइडलाइन नजर आ रही है, शायद आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये आ रही है। इसके साथ ही हम बिल्कुल ऐसे राउंड में काट देंगे। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, जो हमने काटा है थोड़ा सा वो लेंगे, जो नहीं काटा थोड़ा वो लेंगे, दोनों मिक्स उठाएंगे। और बिल्कुल ऊपर इस टॉप पे ही हम, ये हमारी गाइडलाइन है, इसी पे हम काटेंगे। पूरा हेयर कट इस टॉप पे होगा। मैं थोड़े से डीप लेयर कर रहा हूँ, राउंड लेयर है लेकिन थोड़े से डीप लेयर है, ताकि ऊपर वाले बालों में वॉल्यूम आ जाए। इनके बाल बहुत सीधे हैं। ये हुए टॉप के बाल हैं, हमारी गाइडलाइन है, इसके साथ में काट देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी थिनिंग करूंगा, ताकि ऊपर वाले लेयर जो है वो नजर आए। बहुत स्ट्रेट हेयर है। अगेन ये टॉप है, इधर से हम लेंगे। थोड़े जो काटे हैं वो लेंगे, जो थोड़े नहीं काटे वो लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। ये जो बिल्कुल हमारी लेंथ है जो नहीं काटी वो, और इन दोनों को मिला के थोड़ा सा एंगल बना के उसके साथ हम काटेंगे डीप लेयरिंग के साथ राउंड लेयर। जैसे कि यहां से मैंने ये स्ट्रेट लिया, गाइडलाइन के पास में आया, आके रुक गया। मैंने अपनी कॉम को ऐसे बिल्कुल बाहर निकालना है। ये लेंथ है, इसको निकटना। बिल्कुल ये सेक्शन ऐसा आएगा, ये ऐसे है, यूं है, ऐसे है, फिर ऐसे है, इसी तरह फिर ऐसे है, जैसे क्लॉक है, बिल्कुल वैसे है।
ऐसे हमने नीट किया, बिल्कुल टॉप पे गए, गाइडलाइन के पास आके हम रुके और बिल्कुल उसके साथ ही हम काट देंगे। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, इसी तरह हम दूसरी साइड पे जाएंगे और ये ही हमारी गाइडलाइन रहेगी। पूरा हेयर कट हमने टॉप पे लाना है, बैक पे थोड़े से ले बाल ज्यादा होते हैं, बाल इस पर साइड से, तो बैक के सेक्शन दो बनते हैं हमेशा, दो सेक्शन में कटेंगे बाल। ऐसे ही नीट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे बैक वाली लेंथ के साथ। पहले हम सेक्शन करेंगे, पहले सेक्शन काटेंगे, गाइडलाइन नजर आ रही है इसके साथ, उसको छोड़ देंगे, आगे वाले बाल पकड़ लेंगे। थोड़ी सी डीप ले रही है, लेकिन ये है ऐसे ही सर के साथ ऐसे आएगा, बिल्कुल नहीं चाहते आप। इसी तरह टॉप से हमने अगला सेक्शन ले लिया, जो काटने वो लेने और जो नहीं काटे थोड़े वो लेने। बैक का सेक्शन है तो रिमेम्बर दो दफा में कटेगा ये, एक दफा में नहीं, पहले हम पीछे वाले काटेंगे। ये गाइड है, ये हमारी लेंथ है, ये नहीं कटेगी, इसके साथ आगे वाले कट देंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, आगे वाले बाल पकड़ लेंगे, अगेन ये टॉप पे आएंगे, इस अपनी गाइडलाइन साथ लेंगे, थोड़ा राउंड में है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऊपर डीप लेयरिंग करनी है, बाल बहुत स्ट्रेट है। अगेन यहीं से आएंगे टॉप से, सेक्शन बाय सेक्शन। गाइडर हमारी बिल्कुल जो टॉप है, जो शुरू में मैंने बताया, हमने पूरा हेयर कट इधर ही लाके करना है, एक ही सेक्शन में हो जाएगा। गाइडलाइन के पास आना है, वहां रुकना है और अपने कॉम को एंगल दें थोड़ा और निकाल लें, लेंथ को बचा के बाकी काट लें, बिल्कुल अपने गाइडलाइन के साथ काटेंगे तो गलती नहीं होगी। थोड़े से मैं थिनिंग करूंगा ताकि इसमें ऊपर वॉल्यूम आ जाए। अगेन इधर से लेंगे, जो काटे हैं वो, जो नहीं काटे वो, दोनों को मिक्स करके ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आगे। जब मेरी गाइडलाइन आएगी तो वहां मैं पॉम को थोड़ा एंगल दूंगा, सी एंगल दूंगा, फिर ये अपनी लेंथ के साथ में काट दूंगा, थोड़ी सी बीच में थिन करूंगा। इसी तरह मैं ये दोनों सेक्शन मिला के भी उठा सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा सेक्शन, तो मैं इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ। अगेन टॉप से इधर, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल आपने। स्ट्रेट आऊंगा, जैसे गाइडलाइन मेरी नजर आएगी एंगल दूंगा मैं कॉम को और अपने लेंथ के साथ इसको काट दूंगा। इसी तरह दूसरी साइड की, यहाँ तक हो गया था, ये अभी रहता है, इन दोनों को मैं मिला के, क्योंकि छोटा हो गया सेक्शन। अगेन ये टॉप से मैं अपने बाल उठाऊंगा, जो गाइडलाइन है इसको साथ उठाऊंगा मैं, हम्म,
Then, तो ये दोनों साइड के राउंड लेयर हो चुके हैं, थोड़ा ऊपर ही लाइट कम लग रही है। तो अभी हम फ्रंट लेयर जो है वो फिनिश करेंगे, यहाँ से मैं सेक्शन लूँगा ये ऊपर टॉप से। अगेन हमने टॉप को छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह नीट करूंगा। ये सामने के मैं लेयर बना रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल टॉप वाला सेक्शन मैंने साथ लिया है, जो शुरू से हमने गाइडलाइन बनाई थी। इसको सामने की तरफ लाऊंगा मैं ऐसे, जब वो पीछे वाले लेयर आएंगे, ये टॉप के लेयर है, इसके साथ मैं काट दूंगा। थोड़ा सा थिन करूंगा ताकि ये शेप आ जाए। अगेन मैं इधर से ही लूंगा, इसको मैं इसके साथ उठाऊंगा जो मैंने पहले काटे हुआ। बिल्कुल ऐसे ही लेके आऊंगा, उसी एंगल में लाके इसको मैं जितने भी आएंगे मेरी गाइडलाइन के साथ वो मैं काट दूंगा। फिर अगेन टॉप पे लेके आऊंगा, सेक्शन बाय सेक्शन आना है, और बिल्कुल बाल नीट होंगे तो बाल बहुत अच्छे तरीके से कट जाएंगे। उसी एंगल में लेके आऊंगा मैं, जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो मैं काट दूंगा, सोचना नहीं है कुछ भी इसमें। इसके साथ में पीछे वाली लेंथ लेके आऊंगा और इन लेयर के साथ में उसको चेक करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं काटूंगा वरना नहीं काटूंगा। बिल्कुल नीचे लेके जाऊंगा, बिल्कुल थोड़े से हैं ये मैं काट दूंगा। इसी तरह दूसरी साइड मारो टिश्यू रही, मैं टॉप में छोड़ूंगा अपना, वो मेरी गाइडलाइन है, उसी के साथ मैं काटूंगा। उसी एंगल में लाएंगे जिस एंगल में हमने दूसरी साइड से काटे हैं, जब टॉप के लेयर आएंगे ये तो हमने इसके साथ काट दिया। दूसरा सेक्शन इधर से इसके साथ लेके जाना, उसी एंगल में जो आएंगे हमने काट देने, वो सोचना नहीं है उसमें। अगेन यहां से बैठ के इधर से लेंगे हम, बल्कि हम पीछे नीचे तक नेक तक लेंगे, और पीछे के जो बाल हैं उसके साथ लेके आएंगे जो अपने लास्ट सेक्शन पार्ट है, और इसको चेक करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे किया। थोड़ा एंगल बनाऊंगा जैसे हमने टॉप पे भी एंगल बनाया, सामने भी एंगल बना रहे हैं। इसके बीच में जो आएंगे हम काट देंगे, थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ लेयर को मैं। तो हमारे राउंड लेयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ऊपर हम
बॉक्स बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेट नहीं काटना है क्योंकि ये राउंड है, तो ये थोड़ा डीप वी में कटेगा। बॉक्स बनाएंगे, इससे हमारी दोनों साइडें भी चेक हो जाएंगी कि हमने बैलेंस काटा ही नहीं काटा। मैं आपको दिखाता हूँ, बैलेंस है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वी बनाऊंगा। सी, ये थोड़ा सा वी है बीच में, हमने बनाया है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे। अगर कोई एक साइड लंबी होगी तो हम वो नीचे तक चेक करेंगे, लेकिन ये सही है, ये बीच में यहाँ से है लेकिन वो नीचे की लेंथ नहीं है। हम इसको वी बनाएंगे, थोड़ा सा ये इससे डीप लेयरिंग हो जाएगी और ऊपर के बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि बाल जो हैं बहुत स्ट्रेट हैं। इसमें जो लेयर है वो हेयर कट नज़र नहीं आता ज़्यादातर, जिनके स्ट्रेट हेयर हैं उनको पता होगा। अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि हम जहाँ से मर्जी बाल कटा लें उसमें शेप नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो आ जाता है, आज भी बाल में शेप आ जाता है। ये चेक करेंगे, अगेन हम इसमें वी बनाएंगे, ये दोनों साइड इवन करके फिर हम इसमें वी बनाएंगे। इसको थोड़ा थिन भी कर देंगे, तो बाल भी गीले हैं स्ट्रेट हैं लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा शेप है। अभी हम इसको थोड़ा ड्राई करते हैं, ड्रायर चाहिए बालों के साथ खेलूंगा।
जस्ट एयर ड्राई किया है मैंने, उसको शेप लाने के लिए जस्ट ट्विस्ट कर लें। ब्लोडाय मैं नहीं कर रहा, जस्ट मैंने एयर ड्राई किया है। बिल्कुल लॉन्ग एयर है, बिल्कुल हमने लेंथ की टिप्स भी नहीं काटी। कैसे लग रहे हैं विशाल? ये मेरी प्यारी गुड़िया है, मेरी छोटी प्रिंसेस है। थैंक यू सो मच। वापस कैसे करें? वापस कैसे? यू आर श्योर डैड वुड वांट टू पेन योर लाइव वीडियो? हाँ, एंड वीडियो।